वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फेस क्या है, न्यूट्रल क्या है और अर्थ किसे कहते हैं। दोस्तों आपको बता दें, सबसे पहले हम जानेंगे कि इसका कलर क्या है और होता क्या है। तो लाल कलर को हम कहते हैं क्या, फेस, यानी इसको हम होट होट के नाम से जानते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं, होट। इसमें फेस को हम होट नाम से जानते हैं और इसका कलर क्या होता है, लाल। आप हमेशा देखेंगे इसका कलर जो है कि लाल ही रहेगा। वहीं अगर न्यूट्रल की बात करें तो इसको हम बोलते हैं क्या, कोल्ड वायर। इसको हम बोलते हैं कोल्ड वायर और इसका जो है कि हमेशा कलर जो है कि ब्लैक ही रहता है। वहीं अगर हम अर्थ की बात करें तो इसको भी हम कोल्ड वायर के नाम से जानते हैं और इसको जो है कि हमेशा ये हरा ही यानी ग्रीन कलर का ही दिखाया जाता है, अर्थ का वायर। तो आपको बता दें कि इसका भी जो है कि प्रतिरोध जीरो होता है और इसका भी प्रतिरोध जीरो होता है और इसमें जो है कि वोल्ट होता है यानी जो करंट होता है इसमें होता है, जो ये मेन फेस वायर होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फेस और न्यूट्रल की और अर्थ की बाद में बात करेंगे, समझाएंगे किस लिए प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता दूंगा हम फेस के बारे में कि मान लीजिए आप यहाँ पर एक बैटरी ले लिए, यहाँ पे एक बैटरी ले लिए और आप देखेंगे हमेशा इसमें प्लस और माइनस वायर होता है, यानी फेस और न्यूट्रल। अब यहाँ से मान लीजिए एक बल्ब है, इसको जलाने के लिए हमें करंट चाहिए, तो यहाँ से हम एक वायर फेस से यहाँ पर ले गए। अब यहाँ से यहाँ फेस तो चला गया यहाँ तक, लेकिन अब इसको निकलने के लिए यहाँ से करंट न्यूट्रल वायर चाहिए। जब तक अगर न्यूट्रल वायर नहीं रहेगा, फेस काम नहीं करेगा, तब इसमें जब हम न्यूट्रल जोड़ देते हैं तब इसको निकलने के लिए रास्ता मिल जाता है, यानी जो फेस होता है वो जाने वाला होता है और जो न्यूट्रल होता है वो करंट को वापस वहाँ पर लाने के लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ से ले गए और यहाँ पर करंट होकर यहाँ से फेस जाता है और यहाँ डिस्चार्ज होता है, डिस्चार्ज होकर फिर आता है और यहाँ से आके फिर से चार्ज होकर यहाँ पर जो है कि जाता है। तो इस तरह से फेस और न्यूट्रल दोनों काम करते हैं बैटरी में, तो आप समझ गए होंगे। और वहीं अगर हम बात करें कि एसी करंट यानी बिजली का, तो यहाँ पर जो है कि बिजली करंट ऐसे होता है, ऐसे आप देखे होंगे कि ऐसे प्लग होता है। अब आप इसमें से जो है कि माइनस और प्लस तो जान नहीं सकते, चाहे आप इस वाले में लगाइए चाहे इस वाले में, दोनों तरफ से जो है कि आपकी बल्ब लगाएं चाहे कुछ भी लगाएं वो चलता है। इसमें आपको फेस माइनस के बारे में पता नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि हर चीज़ में एक न्यूट्रल वायर होता है। अब इसको बल्ब जलाने के लिए हमें यहाँ से एक मान लीजिए वायर ले गए, ये फेस है, और यहाँ से ऐसे ऐसे हमेशा एसी करंट ऐसे ऐसे जाता है, यहाँ गया। अगर इसको निकलने के लिए यहाँ से रास्ता नहीं मिलता है इसमें आने के लिए, तो यहीं से वापस लौट आएगा। यानी मान लीजिए कोई एक चोर है, और अगर चोर किसी जगह चोरी करने जा रहा है, अगर उसको निकलने का रास्ता ना मिले तो वो चोर वहाँ मार खाएगा। तो सेम वही तरह है, ये फेस करंट यहाँ जाता है, अगर इसको निकलने के लिए रास्ता नहीं मिलता यहाँ तो वापस लौट आएगा, और अगर निकलने के लिए रास्ता यहाँ से अगर न्यूट्रल मिल जाता है वापस आने के लिए करंट, तो ये तुरंत बल्ब जल जाती है। तो इस तरह से जो है कि हम फेस और माइनस का पता लगा सकते हैं, यानी फेस माइनस जो है कि फेस न्यूट्रल काम करता है। अब आपको बता दें कि आपने देखा हो जैसे कि ट्रेन, अब ट्रेन तो होती है पटरी भी लोहे की होती है, वो भी इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, इतने हाई वोल्टेज करंट होता है, लेकिन लोगों को करंट क्यों नहीं मारता है उसके बारे में जानकारी देना है कि उसमें न्यूट्रल और फेस कैसे काम करता है। अब मान लीजिए कि एक वायर है, आप ट्रेन में देखेंगे एक ही वायर होता है, ठीक है, वो फेस होता है, न्यूट्रल नहीं होता है। अब यहाँ से जो है कि एक ट्रेन है, ये ट्रेन है, अब इसमें से जो है कि एक वायर निकला होता है ऐसे, क्या करता है ऐसे, और यहाँ से इसमें टच होता है इस फेस वाले में, इसको हम बोलते हैं पेंटोग्राफ, यानी इसमें से करंट लाने के लिए इसमें जो जुड़ा होता है इसको हम बोलते हैं क्या, पेंटोग्राफ। अब यह आप ये सोच रहे होंगे यहाँ से करंट तो यहाँ आ गया, अब लेकिन जो लोग बैठे हो तो उनको करंट क्यों नहीं मारता है, तो आपको बता दें कि कभी भी ट्रेन की जो बोगी होती है उसमें करंट नहीं जाता है, बल्कि इंजन में जाता है। इंजन की बॉडी में करंट ना फैले उसके लिए यहाँ पर इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है। आप देखें होंगे कहीं बिजली जोड़ी जाती है तो उसमें मिट्टी का वो लगाया जाता है ताकि करंट बाहर ना जाए। तो इस इंसुलेटर से जो है कि करंट बॉडी में ना फैल कर यहाँ पर आता है, यहाँ पर ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर लगा होता है, यहाँ पर ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर लगा होता है, यहाँ पे आता है सीधा। अब यहाँ से जो है कि यहाँ पे व्हील में आता है, यानी जिस उसके चक्के में करंट आता है, और जो ट्रेन की पटरी होती है उसी पटरी से जो है कि न्यूट्रल ले लेता है, किससे, उसकी जो पटरी होती है ट्रेन की लोहे की होती है उससे न्यूट्रल ले लेता है, और यहीं से करंट फिर वापस चला जाता है, यहीं से करंट फिर वापस चला जाता है। और जो बचा होता है करंट उसके लिए जो है कि जगह जगह अर्थ दिया होता है, इसे हम बोलते हैं पोटेंशियल डिवाइस, इसे हम बोलते हैं पोटेंशियल डिवाइस, यानी जो इसमें करंट बचा होता है कुछ तो चला जाता है और कुछ जो बचा होता है वो अंडरग्राउंड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर किसी को जो है कि वो करंट नहीं मारता है ना, यहाँ बॉडी में भी करंट नहीं फैलता, यहाँ से आता है सीधे व्हील में और व्हील से होते हुए ट्रांसफार्मर से फिर वापस चला जाता है, और लोगों को करंट ना मारे उसको बचाने के लिए पोटेंशियल डिवाइस लगाया जाता है जगह जगह पर ताकि ये करंट आगे ना फैले। तो इस तरह से काम करता है, किसी को करंट
नहीं मारता है। अब आप समझ गए होंगे, आगे बात करते हैं। अब आपने देखा होगा कि बड़े बड़े खंभे लगे होते हैं, हाई वोल्टेज यानी हाई टेंशन तार होता है जिसमें 33 kV करंट जाता है। ऐसे बड़े बड़े ट्रांसफार्मर ऐसे ऐसे लगे होते हैं, बड़े बड़े ट्रांसफार्मर लगे होते हैं आपने देखा होगा। इसमें आपको बता दें कि फेस ही जाता है, यानी फेस करंट ही जाता है, इसमें न्यूट्रल नहीं होता है, क्योंकि इतना खतरनाक वायर होता है, इसमें करंट होता है। अगर इसमें न्यूट्रल मिल जाए तो यहाँ पे बहुत तगड़ा ब्लास्ट कर देगा। तो इसमें इसका काम क्या होता है, जो फेस का आगे जो सब स्टेशन लगा होता है बिजली का, यानी वहाँ पर जाता है और वहाँ से न्यूट्रल देकर तब लोगों के घर में बिजली जाती है। इससे डायरेक्ट नहीं जाती है, सब स्टेशन में जाता है, जो ट्रांसमिशन जो होता है उनका वहाँ पर जाता है। तो इसमें फेस ही लगा होता है, इसमें न्यूट्रल नहीं होता है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि जो बड़े बड़े खंभे हैं उसमें न्यूट्रल तार नहीं होता है, केवल उसमें फेस ही होता है, करंट ही जाता है, उसमें कुछ काम होता और नहीं है, ठीक है। तो अब आगे हम जो है कि बात करते हैं कि यहाँ पर आपने देखा होगा कुछ पक्षी होते हैं जो लाइन पर देखे होंगे कि बैठे होते हैं, कुछ पंछी होते हैं जो लाइन पर बैठ जाते हैं और उनको करंट नहीं मारता है, आपने देखा होगा। लेकिन आपको ये नहीं पता कि करंट किस लिए नहीं मारता है। तो आपको मैं बता दूं कि जो पंछी होता है वो हमेशा एक ही वायर में बैठता है, वो चाहे फेस पे बैठ ले या न्यूट्रल पे बैठ ले, हमेशा एक ही वायर में बैठता है। एक वायर पे बैठने से उसका जो है सर्किट पूरा नहीं होता है। क्या नहीं पूरा होता? सर्किट, उसका जो करंट है उसका सर्किट पूरा नहीं होता, क्योंकि करंट को हमेशा जो है कि निकलने का रास्ता चाहिए होता है। और मान लिया पंछी यहाँ बैठी हुई है, अगर गलती से उसका न्यूट्रल में पंख जो है कि टच हो गया तब वो जो है कि करंट मार देगा तुरंत धड़ाक से। लेकिन अगर जो है कि इसको निकलने का रास्ता नहीं मिला या इसमें टच नहीं हुआ तो उसको करंट नहीं मारता है पंछी के। तो आप समझ गए होंगे कि जो है कि इसको सर्किट जब तक पूरा नहीं होगा फेस और न्यूट्रल मिल के, तब तक जो है करंट पंछी को नहीं मारता है। अब यहाँ पर समझ गए होंगे कि फेस न्यूट्रल क्या है, और अब समझाएंगे आपको कि अर्थ किसे कहते हैं। तो मान लीजिए ये है घर आपका, आपने एक फ्रिज लगाया हुआ है, यहाँ पे एक फ्रिज लगाया हुआ है और यहाँ से आपने कनेक्शन दे दिया है, ठीक है। अब आपने कनेक्शन तो दे दिया है, लेकिन गलती से अगर जो फेस वायर है उसे कहीं लीकेज हो गया, मान लीजिए जाने का रास्ता ये है और जा रहा है करंट वायर यहाँ से है, तो लीकेज हो गया तो क्या होता है, इसमें करंट फैल जाता है। अब करंट फैल जाएगा, अब तुम जाओगे इसको टच करोगे तो करंट तुम्हें मारेगा, हाँ क्यों मारेगा। लेकिन आपको बता दें कि करंट ये ना मारे उसके लिए जुगाड़ क्या है कि आप इसको अर्थ कर दो नीचे, आप इसको अर्थ कर दो। आपने देखा हो जो प्लग होता है कहीं कहीं, उसमें एक तो ये अर्थ के लिए होता है और दूसरा ये प्लग के लिए ऐसे होता है। तो ये वाला जो है कि अर्थ के लिए होता है कि अगर कभी जो है अगर फेस वायर जो है कि लीकेज हो जाए करंट, तो उसमें जो है कि अर्थ में चला जाए ताकि इंसान को करंट ना मारे। लेकिन अगर अर्थ नहीं रहेगा तो आप करंट मारेगा। अगर अब उसको अर्थ मिल जाता है नीचे से कहीं और दे देते हो, तो जो लीकेज करंट होता है वो अंडर ग्राउंड हो जाएगा और आपको करंट नहीं मारेगा, क्योंकि इसका भी प्रतिरोध जीरो ही होता है और आपको मारने के लिए इसको हाई प्रतिरोध की ज़रूरत पड़ती है इंसान को करंट मारने के लिए। लेकिन इसका अर्थ का प्रतिरोध बिल्कुल जीरो होता है, ठीक है। तो इसको जो अर्थ है इसीलिए प्रयोग किया जाता है कि ताकि अगर करंट लीकेज हो तो करंट आपको ना मारे बल्कि अंडरग्राउंड हो जाए, यानी इंसानों की सुरक्षा के लिए ही अर्थ का प्रयोग किया जाता है, चाहे वो घर हो या कहीं और कंपनी में फैक्ट्री कहीं भी हो, हमेशा अर्थ का जो है कि प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, समझ गए। तो इतने ही इस वीडियो में, बाकी अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई हैं तो आप हमसे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं।